मथुरा में एक लस्सी की दुकान पर बहस होती है। कुछ देर बाद एक भीड़ वहां पे आती है और जिन दो भाइयों की वो दुकान होती है उनको मारती है। एक भाई की उसमें जान चली जाती है। भीड़ दुकान में रखा पैसा भी लूटती है। दिल्ली में रोड पर नमाज पढ़ी जाती है और एक गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से वहां से पास होती है। भीड़ को डर लगता है या भीड़ को एक नर्वस होती है भीड़, और उसी डर में या उसी गुस्से में वहां जो बसें होती हैं, पब्लिक बस होती हैं, उनमें तोड़फोड़ करती है। दिल्ली में ही ध्रुव त्यागी जब अपनी बेटी के छेड़े जाने का विरोध करने जाता है तो एक भीड़ उसको घेर के मार डालती है। ये सब एग्जाम्पल थे लो स्केल इस्लामिस्ट वायलेंस के। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि कितनी जल्दी एक मतभेद, एक बहस, एक झड़प हिंसा का रूप ले लेती है और कितनी जल्दी उसमें जान या माल की हानि होती है। प्रश्न आज का ये है कि इसका हल क्या है, इस लो स्केल इस्लामिस्ट वायलेंस का हल क्या है, क्योंकि इसका हल ज़रूरी है। आदर्श स्थिति यह है कि हिंसा का एकाधिकार केवल राज्य के पास होना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, हिंसा का एकाधिकार केवल राज्य के पास होना चाहिए। ओनली द स्टेट शुड हैव मोनोपोली ओवर वायलेंस। अब अगला प्रश्न ये है कि इसको अमल कैसे करा जाए। हाउ शुड द स्टेट एनफोर्स इट्स राइट ऑफ वायलेंस। नंबर एक, भारत में पर एक लाख नागरिक केवल 140 के आसपास ही पुलिस कर्मी हैं। नंबर एक सोल्यूशन ये है कि पुलिस बल की संख्या राज्यों को तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ानी चाहिए, मगर मात्र इससे हल नहीं निकलेगा। पुलिस की संख्या के साथ पुलिस के वर्चस्व में, पुलिस के इकबाल में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस का खौफ होना चाहिए। अब बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस तो राज्य का सब्जेक्ट है, राज्य का विषय है, मगर मेरा ये मानना है कि अमित शाह साहब भारत के नए गृह मंत्री हैं, 15 से ज़्यादा राज्यों में भारत के या तो भाजपा या तो NDA का शासन है। उनसे मेरी आशा दरखास्त ये है कि कम से कम इन राज्यों में पुलिस की संख्या और उसके इकबाल दोनों में बढ़ोतरी होनी चाहिए, और यही भाजपा NDA शासित राज्य बाकी देश के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करें कि स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर रिजीम कैसे अमल में लाई जाए, लो स्केल इस्लामिस्ट वायलेंस को कैसे टैकल करा जाए, क्योंकि उसको टैकल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हिंसा का अधिकार केवल राज्य को। आज के लिए इतना ही था। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपसे फिर भेंट होगी बहुत जल्द।